फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जो भारत के पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल लैंडस्केप का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी का कंट्रीब्यूशन इंडियन पॉलिटिक्स में रिमार्केबल रहा है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कांग्रेस के कुछ बड़े अचीवमेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और तब से लेकर आज तक ये पार्टी के इम्पोर्टेंट मोमेंट्स का हिस्सा रही है। भारत की आजादी की लड़ाई से लेकर मॉडर्न इंडिया का निर्माण, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एक पिवोटल रोल प्ले किया है। सबसे पहला और सबसे बड़ा अचीवमेंट जो हम इग्नोर नहीं कर सकते वो है भारत को आजादी दिलाना। कांग्रेस ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे नेताओं के नेतृत्व में ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक सक्सेसफुल मास मूवमेंट चलाया। 1947 में हमें आजादी मिली और ये कांग्रेस के लीडरशिप में ही पॉसिबल हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस ने भारत के निर्माण में भी अपना योगदान दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को प्रमोट किया गया। IITs, IIMs जैसे इंस्टीट्यूशंस का एस्टैब्लिशमेंट भी इसी पीरियड का हिस्सा है। '60s और '70s के दौरान कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ क्रूशियल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया। इस पीरियड में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू की गई, जिससे हमारी कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई और भारत खुद को फूड सिक्योरिटी के मामले में समर्थ बना पाया। इंदिरा गांधी के समय पे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स का भी एक मेजर स्टेप लिया गया, जिसने रूरल और अंडर प्रिविलेज्ड लोगों तक बैंकिंग फैसिलिटीज पहुंचाई। सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो कांग्रेस ने कई वेलफेयर प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट किया। इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ कैंपेन ने गरीब वर्ग के हित में कई इनिशिएटिव्स शुरू किए। राजीव गांधी के समय पे टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सेक्टर्स में काफी डेवलपमेंट हुई। उन्होंने पंचायती राज सिस्टम को भी इंप्लीमेंट किया, जिससे लोकल गवर्नेंस में डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा मिला। UPA गवर्नमेंट के टेन्योर में MGNREGA जैसे वेलफेयर स्कीम्स शुरू की गई, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए एक माइलस्टोन बनी। कांग्रेस की फॉरेन पॉलिसी भी काफी इंपैक्टफुल रही है। नेहरू के नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने भारत को एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल आइडेंटिटी दी। भारत को एक न्यूट्रल और सेल्फ सफिशिएंट नेशन बनाने में कांग्रेस की पॉलिसी का बहुत बड़ा हाथ था। रीसेंट डेकेड्स में कांग्रेस ने लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स के थ्रू इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट के लिए ओपन किया। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने भारत को एक रैपिड ग्रोइंग इकोनॉमी बना दिया। तो ये थे कांग्रेस के कुछ बड़े अचीवमेंट्स जो भारत के विकास और प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि कांग्रेस के सामने कई चैलेंजेस भी आए हैं, लेकिन इनका कॉन्ट्रीब्यूशन भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। आपको क्या लगता है, कांग्रेस के कौन से अचीवमेंट सबसे इंपैक्टफुल रहे हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।